हाय वेलकम एवरीवन। तो आज के वीडियो में ना आपको देखने को मिलेगा कि भाई स्ट्रोक शॉट जो है ना वो कितने इम्पोर्टेंट है, खास करके जब ग्राउंड छोटा हो जहाँ पे फ्लैट कैचेस बहुत ज़्यादा जाते हो। वैसे यहाँ पे बात करें ना तो ओपोनेंट देखो प्लेटिनम फोर रैंक ओपोनेंट। अब यहाँ पर हमने शुरुआत करी तो देखो यहाँ पर ओपोनेंट जो टॉस जीत के बैटिंग का फैसला कर चुका है, हमें पहले बॉलिंग करनी है तो यहाँ से शुरू करेंगे। अब यहाँ देखा जाए तो वानखेड़े का ग्राउंड है जो कि छोटा ग्राउंड है और फ्लैट कैचेस के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। वैसे यहाँ पे शुरुआत ओपोनेंट ने भी स्ट्रोक शॉट के साथ करी है और चार रन निकलेंगे यहाँ पे। पहली गेंद 4 रन 0 विकेट। नेक्स्ट बॉल पे कैरम बॉल करा और यहाँ पे मिस कर गए। जो लास्ट शॉट खेला था वो गोल्ड शॉट था जो कि नहीं लगा। अब ये भी गोल्ड शॉट है, ये है 6-3-3। काफ़ी अच्छा कनेक्शन बनाया 4 रन के लिए। अब नेक्स्ट बॉल पे यहाँ पे फिर से स्ट्रोक शॉट खेलने की कोशिश, बट ये नहीं लगने वाला। अभी नेक्स्ट बॉल हम फुलर लेंथ पे कर रहे हैं और यहाँ पे देख लो इसने स्ट्रोक शॉट खेला है फ्री वाला। तो यहाँ पे ओपन जो 11 रन पे पहुँच सकते हैं क्योंकि यहाँ पे गैप निकल गया था और फील्डर काफ़ी देर से पहुँचा वहाँ पर। यहाँ पर ओपन ने फिर से गोल शॉट की ट्राई करी 6-3-3 की और फिर से लगेगा नहीं यहाँ पर। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो देखो अभी नेक्स्ट बॉलर है अपने पास स्वेपसन। अब यहाँ पे जो बॉल करा है भाई साहब कड़क हिट, न्यू शॉट खेला है जो कि अभी अभी नया आया है। अब इस बार भी मैंने लेग स्पिन करा बट थोड़ा आगे रख के गेंद करी ताकि ये चकमा खा जाए। और यहाँ पे फिर से इन्होंने 6-3-3 खेला था बट ये इस बार नहीं लगेगा। 6-3-3 की एक चीज़ अच्छी है कि भाई उसमें ना स्टम्पिंग नहीं होता। अब नेक्स्ट बॉल फ्लिपर करा और ये कनेक्शन खराब, यहाँ पर विकेट मिल जाएगी और वैसे भी ये शॉट काफ़ी रिस्की भी है। गायकवाड़ आउट 8 गेंदों में 17 रन बना के, 1 ओवर 3 गेंद 17 रन 1 विकेट। अब नेक्स्ट बैट्समैन है हार्दिक पंड्या। अभी नेक्स्ट बॉल हम फिर से फ्लिपर करने वाले हैं और यहाँ पे विकेट मिल जाएगी, काफ़ी बढ़िया विकेट, 17 रन पे दूसरा विकेट मिलेगा यहाँ पे। पंड्या आउट 0 रन बना के, 17 रन 2 विकेट। अभी नेक्स्ट है यहाँ पर कोरी एंडरसन। अब देखते इस पे क्या होता है, फ्लिपर करा है और इस पे भाई साहब काफ़ी अच्छा कनेक्शन, 6 रन मिल जाएंगे, काफ़ी बढ़िया शॉट। नेक्स्ट बॉल फिर से एक बार फ्लिपर करा है और यहाँ पे भी अच्छे से खेला है और ये जो गेंद है वो 4 रन के लिए चली जाएगी। हालांकि ये बहुत ही लेट था बट फिर भी कनेक्शन अच्छा था तो चौका मिल गया। अब 2 ओवर 27 रन 2 विकेट। ये न्यू शॉट इतना भी अच्छा है नहीं कि इसको बार बार ट्राई करें। फिर से एक बार कैरम करेंगे और ये जो है वो 6-6 खेलने की कोशिश थी। तो देखा जाए तो इस ओपोनेंट के पास काफ़ी सारे गोल्ड शॉट है बट यहाँ पे देखा जाए ना हर एक बार लोफ्ट करने से काम नहीं बनने वाला, कभी कभी स्ट्रोक शॉट्स भी खेलने पड़ेंगे। अगर शुरुआत अच्छी मिल गई है, 2 ओवर में ओपोनेंट को 27 रन मिल गए थे बट उसके बाद इन्होंने जो है वो भाई लोफ्ट करना ही जारी रखा, जिसके चलते यहाँ पे भाई गेंदें जो है ना वो बैट पे आई नहीं। अब नेक्स्ट बॉल एक और बार दूसरा करेंगे और ये एक और विकेट मिलेगी, 28 पे 4th विकेट आएगी यहाँ पे। तो अभी देखा जाए ना तो यहाँ पे जिस तरीके से ओपोनेंट खेल रहे हैं काफ़ी रिस्की खेल रहे हैं और अभी 28 पे 4 विकेट तो गवा ही चुके हैं। अभी इनके पास ज़्यादा बैट्समैन भी होंगे नहीं बट जो टारगेट मिलेगा ना उसको हम ओनली एंड ओनली स्ट्रोक शॉट के साथ ही चेज करेंगे। तो अभी देखते हैं ओपोनेंट कहां तक पहुंचते हैं क्योंकि अभी जिस तरीके से खेल रहे हैं ना काफ़ी रिस्की खेल रहे हैं और इस तरीके के खेल में एक चीज़ होती है, ये देखो यहां पे फिर से विकेट चला गया। अब होता क्या है, जब किस्मत सही हो ना तब तो भाई कैसे भी कनेक्शन बने चौके निकल जाते हैं कभी कभी, बट जब किस्मत साथ ना दे तब यहाँ पर जो है बहुत ही कम स्कोर होगा। अब ये देखो 29 पे 6th विकेट जा चुका है। वैसे किस्मत कभी कभी साथ देती है इस तरीके के शॉट्स पे जब गैप मिले, बाकी मोस्टली इन शॉट्स पे ना कैच ही जाना है। तो जब भी खेले अच्छे से खेले। और यहाँ पे नेक्स्ट बैट्समैन है जय पटेल। अब स्ट्रेट बॉल करा था इसने जो स्ट्रोक शॉट, स्ट्रोक गोल्ड शॉट खेला है। अब ये गोल्ड शॉट इतना कुछ खास है नहीं, इससे तो अच्छा है भाई 1-4-1 यूज़ कर ले हम, देखो ये वाला इससे अच्छा है, बट हाँ इतने हाई बाउंस पे 1-4-1 थोड़ी ना लगेगा। वैसे भी वहाँ पे फील्डर है, वहाँ पे खेलना ही रिस्की है। अब यहाँ पे इसने 2-7-6 खेला
भाई कितने शॉट लगा रखे हैं, क्योंकि सेम प्रीसेट में देखो 276 भी निकला इसके पास, फिर 276 तो हालांकि भाई ठीक है लोफ्टेड शॉट है। अब यहाँ पे स्ट्रोक शॉट खेला है, 4 ओवर 35 रन 6 विकेट। अब लास्ट ओवर हम करेंगे जिम्मी निशाम के साथ। देखो ये बॉलर काफ़ी तगड़ा बॉलर है, इसका बॉल एकदम ही स्लो रहता है देखो, और इसका जो बॉल है ना वो मतलब ज़्यादा बाउंस भी नहीं करता, तो काफ़ी अच्छा रहेगा इससे बॉलिंग करना। देख लो अभी किस तरीके से बॉलिंग होती है, देखो यहाँ पे भी कनेक्शन नहीं बनेगा। देखते हैं अभी अगला गेंद, देखो यहाँ पे फिर से स्लोवर करा, और ये देखो ये भी कनेक्शन नहीं बनेगा 5-1-3 पे, ऊपर से अंपायर ने वार्निंग तक नहीं दी। नेक्स्ट बॉल पे एक और स्लोवर करेंगे, और ये देखो यहाँ पे भी मिस, 4 ओवर 4 गेंद 35 रन 6 विकेट। नेक्स्ट बॉल एक और स्लोवर करेंगे, और यहाँ पे अच्छे से खेला है ओपोनेंट ने, बट ज़्यादा से ज़्यादा दो रन ले सकते हैं, नॉट आउट होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगा भाई मुझे लगा ही था कि अब पहुँच गया है, 37 पे पहुँचे ओपोनेंट। अब नेक्स्ट बॉल पे इसने जो है वो लास्ट बॉल पे गोल्ड शॉट खेला है न्यू वाला, और इस पर भी कुछ खास कनेक्शन बना नहीं, तो जिसके चलते ओपोनेंट की पारी 38 पे रुक चुकी है, सिर्फ और सिर्फ 38। अब 39 का टारगेट है, और अपना जो मतलब चीज़ है ना वो ये है कि हमें यहाँ पे 40 XP चाहिए, तो मतलब ट्राई करेंगे हम मैक्सिमम 2 विकेट जाए, उससे ज़्यादा विकेट ना जाए। तो यहाँ पे स्ट्रोक शॉट से शुरुआत करिए, और पहले बॉल पे ना आराम से 2 रन मिल सकते हैं तो ले लेते हैं। अब देखो अपने पास है यहाँ पे ब्रूट प्लेयर, और ये खेला है 5-2-6, शायद ये 5-2-6 है भाई, नंबर एग्जैक्टली पता नहीं है, आप चेक कर लेना। अब नेक्स्ट बॉल फिर से हम सेम शॉट खेलेंगे, और ये देख लो इस बार कनेक्शन काफ़ी अच्छा बन गया, और ये चला जाएगा चौका। तो ये जो स्ट्रोक शॉट्स है ना ओपोनेंट की फील्ड सेटअप को तहस नहस करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। एक और चौका यहाँ पे जाएगा, अगर इस तरीके से कोई फील्ड लगा देता है तो भाई ये एक चीज़ है जहाँ पर आप जो अच्छे से खेल सकते हो। अब यहाँ पर तो मैं एक ही रन लूँगा, वैसे इस स्ट्रोक का भी शॉट नंबर तो पता नहीं है। हाँ अगर आपको अच्छा लगे ना तो भाई आप शॉर्ट मैप में जाके देख लेना, मिल जाएगा आराम से सारे बैट्समैनों के पास। और ये तो वैसे गोल्ड शॉट है, यहाँ पे एक और चौका जाएगा। तो पहली ओवर में ना हमने 16 रन निकाले, उसके बाद यहाँ पे 69 की स्किल वाला बॉलर आया है जय पटेल, और अभी देखो हम जो है वो स्ट्रोक शॉट खेलेंगे और एक रन निकालेंगे यहाँ पे। तो अभी हम 17 पे पहुँचे, और अभी रिस्क लेने की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी, एक एक रन ही लेंगे ना तब भी चलेगा, दो रन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। अब ये जो शॉट है ना ये है 5-3-1, और ये भी काफ़ी मक्खन लगता है अगर परफेक्टली टाइमिंग हो गई। देखो अभी नेक्स्ट बॉल यहाँ पे फिर से एक स्टेप पीछे गए, और ये देख लो 5-3-1 खेल दिया है, और इस बार फील्डर के पास नहीं गया है गेंद, ये जाएगा सीधा ही चौका। तो अभी हम पहुँचेंगे 22 पे। अब देखते हैं नेक्स्ट बॉल, अब यहाँ पर फिर से सेम तरीके से खेलने की कोशिश करी थी बट लगेगा नहीं, तो थोड़ा हाई बाउंस होगा ना तब वो शॉट नहीं लगता है। अब ये तो फ्री शॉट है बट इसको मैंने खामखा ही लगा रखा है, मैं अभी नेक्स्ट टाइम पे चेंज कर दूंगा। अब यहाँ पे मैंने फिर से खेला है स्ट्रोक शॉट, और इस बार एक ही रन निकलेगा। यहाँ पे खेलने की एक वजह है भाई, कई बार होता ऐसा है कि वहाँ पे हमें चौके देखने को मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट बॉलर है ये सिंह, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे फिर से स्ट्रोक शॉट खेलेंगे, और इस डायरेक्शन में यहाँ पर एक ही रन निकलेगा, वैसे कोई टेंशन है नहीं, आराम से खेल सकते हैं। 24 पे पहुँचे हम, अब देखो ये जो बॉल है ना इस पर मैं खेलूँगा पीछे की साइड 5-1-9। अब इस तरीके की फील्ड है तो हम आराम से इस शॉट को खेल सकते हैं, और ये शॉट काफ़ी डेंजर है, अभी आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से इसको मैंने खेला है। तो अभी देखो 16 गेंदों में सिर्फ 12 रन चाहिए, फिर से इसने यही गलती करी, सेम मिस्टेक, और इस बार तो भाई फील्डर भी पहुँचेगा नहीं, 4 रन पक्के मिलेंगे। तो अभी नेक्स्ट बॉल फिर से सेम बॉल, और इस बार बचेंगे नहीं बिल्कुल भी, यहाँ पे एक और चौका जाएगा। देख लो अभी फिर से सेम उसी तरीके की गेंद करी है, और इस बार ना थोड़ा टाइमिंग में मिस हो गया, मैंने स्लोवर के लिए खेला था स्ट्रेट निकला, और इस बार ना एक ही रन निकलेगा। तो देखो अभी ऐसा लग रहा है जैसे ओपोनेंट ने हार मान ली हो, क्योंकि बैक टू बैक इसी तरीके की गेंदें कर दी इसने, और हमने आराम से यहाँ पर चौके निकाल के टारगेट को कर दिया है ईजीली चेज। तो ये होती है भाई स्ट्रोक शॉट्स का कमाल। वैसे वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।